स्वागत है नए और ब्लॉग में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कायाकुशिया अभयपुरी, जो बोंगेगांव स्थित है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत नेचुरल हरियाली है। वहाँ का जो पार्क है बहुत ही अलग किस्म का है, तो आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ का जो हरियाली पार्क का है। तो अभी हम निकलने वाले हैं, अभी बज गया है तकरीबन 3 बजने वाले हैं। तो हमारे ये सब तैयार हो गया है, ये देखो दोनों स्कूटी सवार, ये देखो तैयार हो गया है दोनों, ये पूरा फैमिली जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो आज आप लोग को भी दिखाऊंगा उस पार्क का नज़ारा, बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो मिलते हैं वहीं पे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कायाकुशिया, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पे ये है, ये पूरा सिनेरियो है, और ये बिना अनुमति, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा जगह है। कति रुपया रे কি মানে টাকা পঞ্চাশ টিস এইটু ল বাইকর আছে দুখন আগ মানুষ রব 10 টাকা পাবো আর নৌকার যাবো হা আগত নৌকার পর আবার ঘুরিয়ে আসবো। ঠিক আছে চলো চলো নৌকা মা। ये है पूरा कायाकुशिया, ये कायाकुशिया पार्क का फेस है। जो आपको इंटरेस्ट होते ही आपको ये दिख जाएगा, बहुत सुंदर जगह लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। आप देख सकते हैं कितना हरियाली है। और अभी हम लोग जाएंगे बोट में, उस पर पहुंचा देगा। ये पूरा फाउंटेन फेस है, आप देख सकते हैं कितना हरियाली और कितना सजा के रखा है। और जब हम और आगे चले जाएंगे, उस पर चले जाएंगे, और ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी नौका की ओर, टिकट दे दिया है और चलते हैं बोट की ओर। ए आगबारी जाकसुन आगर फेले ना थाकबो हई फेले जाकसुन नावरिया ओसुर जाक नावरिया ओसुर जाक जाक लो ओसुर जाकसुन मैंने बहिलो मैंने अखन खाली दिलु बहिलो। फाइनली हम लोग नौके पे चढ़ गए हैं, मजा आ गया बिल्कुल ही। इधर कितना बढ़िया सा जगह है, जगह है कैसा लग रहा है? वो तो खोल दो ना। बहुत अच्छा नजारा है ना, बहुत ही खूबसूरत। बोलो कस्ता लग रहा है, कस्ता लग रहा है? डर लाग किन डर? हाँ डर छैन त के को डर लु भन ए त छ मनि मलाई एई छ मन पर्दैन तेरो बानी ए उ त भयो। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह। माने उखना छ कि माने उखना छ बला ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह। और मैं बैठा हूँ इस प्रकार से, कितना मज़ा आ रहा है। मला क्या था, फाइनल गैस हम लोग उस पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये अभी हमारे नौका लग गया है किनारे पे, और लोग यहाँ पे उतरना शुरू कर दिया है। ये देख सकते हैं उस पार भी कितना बढ़िया और कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं ये इसका नज़ारा जहाँ से हम लोग आए थे, कितना हरियाली है, कितना बढ़िया है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं ये। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, यही है जो मेन घूमने का जगह। आप देख सकते हैं कितना हरियाली है। क्या बा कैसा लग रहा है उन्होंने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आया। चढ़ने के बाद तो थोड़ा सा डर लगता, पर डर नहीं लग रहा अभी तो, अभी तो बस मजा ही आ रहा है। बोट से निकलने के बाद तो मजा ही आ रहा है। क्या मजा आ रहा है, क्या देखा है यहाँ पे?
यहाँ इतने सुंदर फूल खिले हैं और डार्क बहुत और बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। खुली हवा नदी ना खुशबू इतना सुंदर है यहाँ। एक दिन ना सुबह टिफिन बना के लेकर आएंगे और सारा दिन घूमेंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। आप ये उस पार आप देख सकते हैं और सूरज डूबने वाला भी है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये उस पार। ये नज़ारा, ये बहुत ज़्यादा पदम का फूल, ये देखो छोटा सा बच्चा, ये देखो बिल्कुल छोटा सा एक डक का बच्चा है। अरे खतरनाक लोग पैदल चल रहे हैं। ये देखो ये खतरनाक, मतलब आज बड़े ही लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या है कि थोड़ा लेट पहुंचे तो इसके चलते अभी अंधेरा शुरू होने वाला है, नहीं तो और भी मज़ा आता। आप देख रहे होंगे कितना हरा भरा ये पेड़ पौधे, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कितना मज़ेदार। और ये जो आपका जगह है कितना बढ़िया से बिल्कुल जो लाइव की नगर से तो सच में बहुत ही बढ़िया जगह है। अगर आप कोकराझार के हैं या बोंगेगांव के हैं तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे जो यहाँ का जगह है और बहुत ही सुनसान हरियाली और यहाँ पे बहुत सारे पंछी भी है। आप देख सकते हो इस पार भी, ये कितना बढ़िया जगह है, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जगह है। दोबारा से हम लोग उस पार आए हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही बड़े ही मज़े लिए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर यहाँ पे चले आना घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। ये एक लोहे का पुल है, कितना अच्छा पुल है आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा फूल है ये, अच्छा लगा यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। लेकिन अंधेरा बिल्कुल होने वाला है अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी हो गया है 4:30, अभी अंधेरा छा रहा है यहाँ पे, तो अभी चलना ठीक है यहाँ से। यहाँ पे फोटोग्राफी हो रहा है, ये देखो I'm
हमारा छोटा भाई इधर घूमने के लिए आया है। भाई का बीवी के साथ घूमने के लिए आया है ये कुया न, कुया में हम लोग आया है। फाइनली गाइस बहुत ही मजा आया। ये काया कुजिया है जो अभयपुरी बोंगेगांव स्थित है और फिलहाल अभी अंधेरा शुरू हो गया है तो अभी हम लोग घर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अंधेरा इतना ठीक नहीं है। और ये आप देख सकते हैं नौका पे हम लोग जा रहे हैं, अभी उस पार पहुँच जाएंगे फिर वहाँ से चल देंगे। तो बहुत ही मजा आया। अगर आप लोकल में है या बोंगेगांव या कोकराझार तो ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए, एक हरियाली और बहुत ही बढ़िया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।